डाल दूँगी मैं। बट आज हम रिव्यूज लेके हैं कैनवुड कंपनी का सबसे लेटेस्ट मॉडल है, जिसका मॉडल नंबर है 1843। मेटालिक सिल्वर कलर में ये आता है और 100% एनर्जी सेवर के साथ आपको मिल जाता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बॉडी की। वीवर आप देख सकते हैं मेटालिक सिल्वर कलर में ही आता है। इससे सबसे अच्छी बात यह है कि वक्त के साथ जो वाइट कलर है, जो वक्त के साथ अपना जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं। मेटालिक सिल्वर कलर जो है इसका जो कलर है वीवर, वो एज इट इज़ रहेगा कई सालों तक। उसके बाद इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें हमें जो किट की वारंटी है वो मिल जाती है 2 ईयर, जबकि एन अदर किसी भी कंपनी में किट की वारंटी नहीं होती। कंप्रेसर के बाद जो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ होती है एसी में, वो इसकी किट ही होती है। इसके अलावा भी अगर आप देख सकते हैं 75% पर ये वर्क करता है, जिसका आसान मतलब ये निकलता है कि अगर आपके आम एसी का बिल जो है वो 10,000 आता है महाना, तो उसमें आपको बिल सिर्फ और सिर्फ 2500 आएगा। इसके अलावा 50°C टेम्परेचर पर भी ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। लो वोल्टेज पे ये काम करेगा, 140 वोल्टेज पे भी ये काम करेगा। स्टेबलाइजर की नीड नहीं है। इसके अलावा डबल रोटरी कंप्रेसर हमें मिल जाता है। इसकी मॉडल की बात कर लें तो इको प्लस सीरीज ये हमें मिल जाता है। इसके अलावा इसकी वारंटी की बात कर लें तो वीवर, इसकी जो कंप्रेसर की वारंटी है वो 5 साल है, जबकि इसकी जो पार्ट्स की वारंटी है वो 1 साल है। इसकी एयर थ्रो की हम बात कर लें तो इसकी एयर थ्रो 4D है, यानी कि अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, 4 वे की हमें एयर मिल जाती है। इसकी एयर थ्रो की हम बात कर लें तो 40 से 50 फिट इसकी जो एयर थ्रो है वो हमें मिल जाती है। ये जनरेटर और UPS दोनों पे वर्क करेगा, लेकिन जो इसमें UPS है वीवर वो 2 kV का हमें सही। इसके अलावा वीवर आप देख सकते हैं नो नीड और नो रिक्वायर स्टेबलाइजर, 140 वोल्टेज अगर आपके आ रहे होंगे ये तब भी बहुत अच्छा वर्क करेगा। और इसके अलावा वीवर आप देख सकते हैं ऑल वेदर कंडीशन पर ये वर्क करेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपका जो टेम्परेचर है वो 62 है या से प्लस है बाहर का, तो ये तब भी वर्क करेगा। इसका जो कंप्रेसर है वो ट्रिप नहीं करेगा। इसकी कंप्रेसर की हम बात कर लें तो वीवर, इसका जो कंप्रेसर है वो T1 हमें मिल जाता है, लेकिन T1 और T3 में इतना बड़ा फ़र्क कोई नहीं है। T1 जो कंप्रेसर है वो 50°C टेम्परेचर पे काम करता है, और पाकिस्तान में 50+ टेम्परेचर बहुत कम इलाकों में जाता है, बहुत कम शहरों में जाता है। इसके अलावा बात कर लें इसकी EER की, EER वीवर 3.6 है। उस हिसाब से जो उसकी अम्पेयर एवरेज बनती है वो 2.5 है, काफ़ी अच्छी अम्पेयर एवरेज है। इसके अलावा इसकी जो गारंटी है वीवर वो 5 साल है, जिसे आप पूरे पाकिस्तान में आसानी क्लेम कर सकते हैं। कैनवुड कंपनी का ये एसी है, इंग्लैंड बेस्ड यूके बेस्ड कंपनी है ये, और 5 ईयर वारंटी के साथ हमें मिल जाता है। मेटालिक बॉडी में हमें मिल जाता है। इसमें वीवर 2 मॉडल आते हैं, 1843 और 1841। 1841 जो है वो इसी तरह के सेम बॉडी में आपको वाइट कलर में मिल जाता है, जबकि ये वाला जो मॉडल है ये मेटालिक सिल्वर कलर में आता है। इसके जो कूलिंग अम्पेयर है वीवर, वो आप देख सकते हैं उसकी कूलिंग अम्पेयर 1550 वॉट है, और जबकि इसके जो हीटिंग अम्पेयर है वॉट है वो 1520 वॉट है। इसके अलावा कूलिंग अम्पेयर जो हैं वो इसके बनते हैं स्टार्टिंग 7.08 अम्पेयर, और इसके अलावा हीटिंग अम्पेयर जो है वो 6.9 अम्पेयर है। इसकी गैस की हम बात कर लें तो 410 इसमें हमें गैस मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करती है। कि हम बात कर लें तो आप देख सकते हैं इसमें हमें गोल्डन कलर के वाइपरेटर मिल जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये हीट अप नहीं होता, लिक्विड बड़े अच्छे तरीके से रनिंग करता है, जबकि इसमें जो गैस है वो R410 आती है, जो कि बड़ा अच्छा और काफ़ी फास्ट वर्किंग करती है। इसी तरह इसका जो आउटर है वो भी हमें गोल्डन कलर के पाइप के साथ मिल जाता है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हीटअप हो, तो ये जो पाइप हैं गोल्डन कलर के वो इसे हीट अप नहीं होने देते और काफ़ी अच्छी वर्किंग रखते हैं, जिससे जो कंप्रेसर है वो ट्रिप नहीं करता। इसके अलावा इसके फिल्टर की बात कर लें तो वो देखें आप, प्लास्टिक मटेरियल में हमें मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है डस्ट के लिए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है जो उसके ऊपर प्रिंट है कि 15 दिन बाद आप जो फिल्टर है वो साफ़ कर लें। इसकी इंडोर की बात कर लें तो काफ़ी बड़ा इंडोर हमें मिल जाता है, इसी तरह जो उसका आउटडोर है वो भी काफ़ी बड़ा आता है। इसके अलावा व्यूअर इसमें तो सबसे अच्छी बात है ये रिवर्सेबल एसी है, हीट एंड कूल है, जिसको आप सर्दियों को भी आसानी और ऑफिस या घर में यूज़ कर सकते हैं, आपको हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रिवर्सेबल एसी है, ये आपके उतने ही अम्पेयर लेगा, 2.5 जितने अम्पेयर ये गर्मियों को ले रहा है, यानी कि कंप्रेसर वर्क करेगा, रिवर्सेबल एसी है, और 5 साल की इसकी कंप्रेसर की वारंटी है और 1 ईयर इसकी पार्ट्स की वारंटी है। इसकी प्राइस की बात कर ले वीवर तो 1,10,000 इसकी प्राइस है, जो करंट इसकी चल रही है 2022 में, और इसकी 5 साल वारंटी के साथ हमें मिल जाता है, और पूरे पाकिस्तान में आसानी आप जो वारंटी है वो क्लेम कर सकते हैं। 2 ईयर इसकी किट की वारंटी है, जो कि कंप्रेसर के बाद सबसे एक्सपेंसिव चीज़ होती है, जिसकी जो मालियत है वो 30 से 35 हज़ार रुपये होती है। इसकी अम्पेयर की बात कर लें तो 2.5 अम्पेयर ये लेता है रनिंग, और EER 3.6 है। इसके अलावा R410 गैस आती है, इसमें मेटालिक सिल्वर कलर आता है, इसका जो मॉडल हमारा 1843 है, इको प्लस मॉडल है, और 75% ये आपके एनर्जी सेवर के साथ मिल जाता है। 4 वे कूलिंग है,
वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें।